Hello students, a very good morning to all of you and welcome to Gyan Adda. So today we are going to start a new subject and the name of that subject is entrepreneurship and small business. So before starting up this subject, let's take a brief overview at why we should learn entrepreneurship and small business, the relevance and the need, everything. So students, if you are pursuing any undergraduate or post-graduation courses in the field of management or commerce, like if you are doing BCom, BBA, MCom, MBA or any other diploma courses in this particular field, so you have to study a mandatory subject named entrepreneurship and small business. So basically, you cannot escape yourself from studying this subject. You have to study. Also, if you are preparing for UGC NET examination, you want to crack JRF, NET, assistant professor in the field of commerce or in the subject code 1717 management, right? So you have to study this subject as well over there for the competitive exam. So this is a mandatory subject. So in any case, in any examination, whether in UGC NET, whether in post-graduation or undergraduation courses in commerce or management, you have to study. Nonetheless, if you want to start up your own business in future, like if you want to set up your own venture, your own startup, own company, own organization, anything, so you must have the basic idea about how to start a small business, how to be an entrepreneur. So this subject is not only important for your academic purpose, but also if you want to take your own venture, your own financial risk, your own setup in the future perspective, so you must have the idea and knowledge about this particular subject. So I will provide you the whole content in English. उससे आपको examination में that will be helpful for you, because आपको notes मिल जाएंगे and at the time of revision आपको वो notes बहुत काम आएंगे. And I will give you explanation in Hindi so that you can relate with those concepts. आपको ताकि समझ में आए, बिकॉज जब भी हम अपनी मदर टंग में कोई भी चीज़ सुनते हैं, समझते हैं, सो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वी कैन रिलेट दोज कंसेप्ट. एंड अगर कुछ भूला भी आपको एग्जाम के टाइम में, तो आपको आपने अगर लेक्चर सुना हुआ है अच्छे से, तो आप उसको लिख पाओगे बहुत अच्छे तरीके से. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेक्चर. ये लेसन वन है, लेसन वन का पार्ट वन है. दिस इज द ब्रांड, अ न्यू ब्रांड फ्रेश लेक्चर आपके सामने है. एंड विल हैव अ डिस्कशन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर दैट द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो सबसे पहले तो यही समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट क्या है. देखिए, अगर आप इसका मतलब डिक्शनरी में देखने जाओगे, तो आपको एक वर्ड मिल जाएगा, दैट इज़ उद्यमिता. बट उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि एक एंटरप्रेन्योर, माने कि एक उद्यमी, एक व्यक्ति सेटअप करता है बिजनेस या बहुत सारे बिजनेस, और उसमें वो फिनेंशियल रिस्क को भी लेता है इन द होप ऑफ अचीविंग प्रॉफिट, तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. ये एक पूरा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. तो जो व्यक्ति इस रिस्क को लेता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके बिजनेस के स्टार्टअप से लेकर के मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचने तक, और फिर उसके बाद में फाइनल जो आपका आउटपुट है, दैट मीन्स कि प्रॉफिट, उसको मैक्सिमाइज करने तक का सारा जो प्रोसेस है, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, वो आपके एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में आ जाता है. तो ये एक बेसिक सा, एक लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता क्या है. एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि आप एक बिजनेस को सेटअप करते हो, फाइनेंशियल रिस्क लेते हो, ताकि आप प्रॉफिट जनरेट कर सको. ये एक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट. अब स्क्रीन पे आपके कुछ यहाँ पे लाइंस लिखी हुई हैं, इनको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, या तो फिर आप वीडियो को पॉज करके आप अपने पेन डाउन कॉपी में लेकर के आप उसको नोट कर लो, ताकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आसानी हो रिवीजन करने में. अब चलिए इसको बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कि आपका बिजनेस जो या हो गया या वेंचर हो गया. वेंचर मतलब रिस्क. जब भी आप कोई भी चीज़ शुरू करते हो, तो आप उसमें रिस्क लेते हो, इसलिए इसको हिंदी में साहस भी बोलते हैं. और साहसी व्यक्ति तो वही होता है ना, कि जो सामने आने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे, रिस्क ले. क्यों क्यों लेता है? ताकि प्रॉफिट वो गेन कर सके. वो रिस्क लेता है, ही इज़ टेकिंग रिस्क टू अचीव द प्रॉफिट और टू गेन द प्रॉफिट. सेवरल रिस्क होते हैं, एक नहीं, कई सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिस्क होते हैं. सो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, वो रेफर करता है एक ऐसे कंसेप्ट में जिसमें कि बिजनेस वेंचर डेवलप किया जाता है ताकि प्रॉफिट गेन किया जा सके. कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर में सेवरल रिस्क यहाँ पे लिए जाते हैं. ये बेसिक सा डेफिनेशन है. सिंपली अगर इसको बोले तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि विलिंगनेस, माने इच्छा, किसी भी बिजनेस को, एक नए बिजनेस को शुरू करने की इच्छा को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. इसमें इस इच्छा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, विलिंग टू टेक द रिस्क एज वेल, विलिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एज वेल. क्योंकि भाई आपका जो विल पावर रहेगा, तो ही तो आप रिस्क ले पाओगे ना. जब आपके अंदर से आपको मोटिवेशन रहेगा, तो ही आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, तो ही आप नया बिजनेस कर पाओगे. तो एंटरप्रेन्योरल विजन को डिफाइन भी किया गया हुआ है कैसे,
by discovery and risk taking is an indispensable. Indispensable का मतलब होता है very important. See, आपको ना examination में ऐसे ऐसे words लिखने पड़ेंगे जिसे examiner को भी समझ में आए कि you have a basic idea about this particular subject. So, indispensable part का मतलब होता है very important part. सो एंटरप्रेन्योर विजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, रिस्क टेकिंग इसमें होता है और इसके अंदर में नेशंस की जो कैपेसिटी होती है वो भी बिल्डअप होती है. नेशन की कैपेसिटी का मतलब क्या, जब कोई भी बंदा एंटरप्रेन्योर मतलब कोई भी बंदा बिजनेस को सेटअप करेगा, कोई भी पर्सन बिजनेस अपना नया वेंचर वो लगाएगा तो वो ग्लोबल मार्केट प्लेस में कॉम्पिटिटिव रोल प्ले करेगा. इट मीन्स कि उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कंट्री की जीडीपी को भी बढ़ाने में आएगा, नेशंस की कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा, वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वो यहाँ का जो मार्केट है जो ग्लोबल मार्केट है उसमें भी वो प्ले करेगा. तो ना सिर्फ उसके खुद के फ़ायदे के लिए बट उसका जो एक आउटपुट है वो आपके कंट्री में ग्लोबली मार्केट प्लेस में आपकी नेशन में भी दिखेगा. तो ये काफ़ी इंडिस्पेंसिबल पार्ट होता है किसी भी नेशन की कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए और कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट प्लेस को बढ़ाने के लिए और उसमें ये प्ले करने के लिए. इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, MSMEs के लिए एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट्स के लिए. तो आपको आई होप कि समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है. एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी एबिलिटी भी होती है जिसमें कि रेडीनेस होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए या मतलब और ऑर्गेनाइज करने के लिए या बिज़नेस को रनअप करने के लिए, किसी भी बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए अंदर से इच्छा होनी चाहिए और इच्छा के साथ साथ आपके अंदर योग्यता भी होनी चाहिए. दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए, इच्छा विलिंग भी होनी चाहिए और योग्यता भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं मार्केट में, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. तो उन सारी चीज़ों से आप तभी कोप अप कर पाओगे जब आपकी खुद की इच्छा शक्ति ज़्यादा स्ट्रांग है, जब आपके अंदर योग्यता है, जब आपने चीज़ों के बारे में अच्छे से डीप स्टडी करा हुआ है, तभी आपको प्रॉफिट भी हो पाएगा. सो द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ स्टार्टिंग अप अ न्यू बिजनेस. तो इसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल बोला जाए एंटरप्रेन्योरशिप का यही है कि जब भी आप कोई स्मॉल बिजनेस या स्मॉल वेंचर को आप शुरू करते हो उसी को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड आप लेते हो रिस्क. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, मतलब जब भी आप कोई नया बिज़नेस शुरू करते हो रिस्क लेते हो तो उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं. और जो पर्सन बिज़नेस को शुरू करता है उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. तो ये विशेषताएं एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर की भी होनी चाहिए. हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे, पहले हम एंटरप्रेन्योरशिप के कंसेप्ट को समझ रहे हैं इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे. तो सबसे पहला कि एबिलिटी टू टेक रिस्क होना चाहिए, मतलब कि इतना आपके अंदर में योग्यता हो कि आप रिस्क को ले सको. दूसरा, आपका माइंड होना चाहिए वो इनोवेटिव होना चाहिए, आपको नई नई चीज़ें करनी है, उसमें कुछ क्रिएटिव करना है, एडिशन करना है, कुछ इनोवेशन करना है. आपका माइंड ओपन होना चाहिए, मतलब कि मार्केट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, लाइक अगर किसी कस्टमर का चेंज हो रहा है टेस्ट या प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं तो आपको अपना माइंड ओपन होकर के उनके टेस्ट और उनके प्रेफरेंसेस को समझना होगा. ऐसा नहीं कि आप जो भी टेक्नोलॉजी पुरानी यूज़ कर रहे हो उसी टेक्नोलॉजी में आप सोचो कि भाई मैं 20 साल पहले जैसे मैं प्रोडक्शन कर रहा था मैं वैसे ही प्रोडक्शन करूँगा, बहुत पीछे हो जाओगे मार्केट में. आपको ओपन माइंड होना पड़ेगा, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को भी ध्यान में रखना होगा, टेक्नोलॉजी वाइज भी आपको अपडेट होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. दूसरा, अपने प्रोडक्ट को आपको जानना होगा, जो भी आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, बना रहे हो, आपको ये देखना पड़ेगा उसको कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं है. अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए. और इसमें छठा है कि विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी. ऑब्वियसली आपका जो विजन होना चाहिए, जो दूर दृष्टता होनी चाहिए वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और आपके अंदर में एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि अपने अंदर के लोगों से आप काम करा सको. लीडरशिप बेसिकली क्वालिटी होनी चाहिए. अब इन छह चीज़ों को हम फटाफट समझते हैं बुकिश लैंग्वेज में और इन छह चीज़ों का एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं फटाफट. कि देखिए, पहले तो ये समझो कि हर एंटरप्रेन्योर जो भी बिज़नेस शुरू करना है ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो ही जाए. कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप ये छह चीज़ें कर ही रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो ही जाओ, बट दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स जो आपको करनी करनी है. पहला क्या है कि आपको एबिलिटी आपके अंदर में होनी चाहिए कि आप रिस्क ले सको. जब भी आप न्यू वेंचर शुरू करते हो तो एक आपके माइंड में होता है ना कि भाई हम कोई भी 10 रुपये लगा रहे हैं तो हमको 3 रुपये का 4 रुपये का नुकसान भी हो सकता है. तो आप अपने एक माइंड में लेके चलो कि आपको रिस्क, आपका बिजनेस लॉस में भी जा सकता है, आपको फेल्योर भी हो सकता है. और एंटरप्रेन्योर को बहुत करेजियस होना पड़ेगा, आपको इवेल्यूएट करना पड़ेगा कि कितना रिस्क इसमें हो सकता है, कितनी चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी हैं लॉसेस की. ये एक एसेंशियल पार्ट होता है एक एंटरप्रेन्योर का जब भी वो एक नया सेटअप स्टार्ट करता है. तो रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई मुझे ये लगे कि मेरा 5 रुपये चला जाएगा तो मैं 10 रुपये लगा के इन्वेस्टमेंट ही ना करूं. हो सकता है कि अगले महीने मेरे को उसमें 20 रुपये मिल जाए. तो आपका विजन इतना क्लियर होना चाहिए, आपकी एबिलिटी क्लियर इतनी होनी चाहिए, आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल होनी चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होनी चाहिए सबसे पहली बात. दूसरा, इनोवेशन.
आप हाईली आपको इनोवेटिव होना है. अब हाईली इनोवेटिव का मतलब क्या, कि नए नए आइडियाज़ लेके आओ अपनी कंपनी के लिए ताकि आप अच्छे तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सको. आप कोई भी जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो उसमें कुछ चेंज करके लेके आओ. ऐसा नहीं कि मार्केट में कुछ चीज़ चल रही है वही सेम उसी का डुप्लीकेट लेके चले आए. नहीं, कुछ आप उसमें थोड़ा सा अपना इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर के आओ, उसकी पैकेजिंग चेंज कर दो, ब्रांडिंग उसकी चेंज कर दो, उसके जो भी फीचर्स हैं उसको चेंज कर दो ताकि आप मोर इफिशियंट तरीके से आप कर सको. उसको थोड़ा और सस्ता कर दो ताकि वो लोगों के लिए और इकोनॉमिकल हो जाए, लोग उसको बाय कर सके, परचेजिंग पावर लोगों की थोड़ी सी बढ़े आपके सामान को लेने के लिए. थोड़ा सा इनोवेशन करो अपने प्रोडक्ट में, अपना दिमाग खोलो, आइडिया लगाओ थोड़ा सा कुछ भी, जो भी नया बिजनेस आप करना चाहते हो उसमें. ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिया, वो नहीं करना है. फिर तीसरा है विजनरी एंड लीडरशिप क्वालिटी. देखो, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के लिए ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, कहीं पे भी ये चीज़ बहुत सेम तरीके से लागू होती है कि आपके अंदर में क्लियर विजन होना चाहिए. कोई भी चीज़ सेटअप जब भी आप कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए एंड आप अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर सको इतनी आपके अंदर में क्षमता भी होनी चाहिए. बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं एम्प्लॉयज़ के पास में, तो उन सारे रिसोर्सेज को आपको कैसे यूज़ करना है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए. लीडरशिप क्वालिटी एक पैरामाउंट होता है, और ताकि लीडर्स इम्पार्ट करते हैं, गाइड करते हैं किसको, एम्प्लॉयज़ को. क्या गाइड करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं, उनको बताते हैं कि आपका राइट पाथ क्या होना चाहिए, कैसे आपको सक्सेस मिलेगी, किस तरीके से आप अपने काम को करोगे तो आपको प्रॉफिट अर्न होगा. तो वो सिर्फ अपने कोई अपने वो सिर्फ खुद में ही मोटिवेटेड नहीं होते हैं, बल्कि वो आपके नीचे जो काम कर रहे लोग होते हैं ना, वो उनको भी काफ़ी मोटिवेट करते हैं, राइट. अब पैरामाउंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे होगे, पैरामाउंट कहाँ गया ये वर्ड, इसका मतलब क्या होता है. पैरामाउंट का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या जो सुप्रीम होता है, प्रमुख महत्व का या सर्वश्रेष्ठ. तो लीडरशिप क्वालिटी इज पैरामाउंट, मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि लीडरशिप क्वालिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट क्वालिटी होती है. तो पैरामाउंट का पहले तो मतलब आप लिख लेना अपने कॉपी में, इट मीन्स कि हाई प्रायोरिटी या बेस्ट, या हिंदी में लिख लेना सर्वश्रेष्ठ. सो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें जो लीडर्स है वो इम्पार्ट करता है, मतलब प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है, और गाइड करता है किसको, एम्प्लॉयज़ को. क्या आदान प्रदान करता है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई आइडिया है, कुछ उसको काउंसलिंग करनी है अपने नीचे लोग काम करें लोगों को, ताकि राइट पाथ पर वो चल सके, उनकी कंपनी, उनका ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो मिशन है, जो विजन है, उसको अचीव किया जा सके और फाइनली सक्सेस मिल सके. ये तीन चीज़ हमने इसमें पढ़ी. ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं आपकी कंपनी के लिए, वो बेनिफिशियल अगर हैं तो आप उनके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया है पेटीएम का. सो पेटीएम रिकग्नाइज द ग्रेविटी ऑफ डीमोनेटाइजेशन, मतलब कि इन्होंने डीमोनेटाइजेशन जब नरेंद्र मोदी जी ने किया था तो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की चीज़ों को समझा और उसको संज्ञान में लेके आए, और उनको समझ में आया कि आने वाले समय में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत तेज़ी से होने वाला है, और उन्होंने इस सिचुएशन को बहुत ही तरीके से पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज़ किया और इसको मैसिवली एक्सपेंड भी किया. अब तो पेटीएम, पहले तो पेटीएम आया था, बाद अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, फ़ोन पे आ गया है, गूगल पे आ गया हुआ है, तमाम बहुत सारी एप्लीकेशन आ चुके हुए हैं. तो ये जो एक पहला आया हुआ था, पहले तो गूगल पे और फ़ोन पे नहीं था, पहले तो पेटीएम ही आया हुआ था, तो इन्होंने क्या क्या मार्केट की सिचुएशन को समझा और उसका यूज़ किया. तो वो ओपन माइंडेड थे, उनको समझ में आ गया कि अब ये चेंजेस हैं तो कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है. फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ है कि आपको ओपन टू चेंज होना पड़ेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चेंज होना पड़ेगा. अगर आपको बिजनेस में टॉप पे रहना है, या अगर आपको टॉप का पर्सन रहना है, तो वहाँ पे आपको सारे जितने भी प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, जितने भी सर्विसेज में चेंजेस हो रहे हैं, कस्टमर के नीड एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपको उसको इम्ब्रेस करना पड़ेगा. इम्ब्रेस का मतलब ऐसे होता है आलिंगन करना, लेकिन जब आप इसको बिजनेस के टर्म्स में समझोगे, या ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप के टर्म्स में समझोगे, तो इट मीन्स का मतलब होता है टू अडॉप्ट चेंज, अडॉप्ट करना या आलिंगन करना. तो बेसिकली आप चेंजेस को अडॉप्ट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है. आपको प्रोडक्ट, आपको सर्विसेज जो भी नए नए आ रहे हैं नीड के अकॉर्डिंग, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा. नो योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को के बारे में आप अच्छे से जानिए. आपको ये पता होना चाहिए कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में. इट इज़ वेरी इसेंशियल टू नो कि आपका जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, जो सर्विसेज आप दे रहे हो, उससे लोगों की डिमांड कितनी फुलफ़िल हो रही है, करंट मार्केट क्या चल रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा कुछ तो सिचुएशन नहीं है कि आपको थोड़ा सा उसमें ट्वीक करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है. अगर है तो आपको वो करना पड़ेगा. आपको जो करंट मार्केट चल रहा है, करंट मार्केट के हिसाब से आपको सारी चीज़ें उसमें करनी पड़ेंगी. ट्वीक का मतलब यहाँ पे देखो, एक वर्ड है ट्वीक, इसका मतलब होता है फेर बदल करना.
इट मीन्स कि फेर बदल करने का मतलब ये कि इम्प्रोवाइजेशन की बात हो रही है, आप थोड़ा फेर बदल करो, इसको इम्प्रूव करो। ये सारे वर्ड्स जो मैंने आपको 3-4 वर्ड्स बताए हैं, इसको लिखते चलना, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप ये सारे वर्ड्स लिखोगे ना, एग्जामिनेशन के लिए नहीं, आपके खुद के वोकैब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बीइंग एबल टू अकाउंटेबल एंड देन ऑल्टर एज नीडेड इज वाइटल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये सारी जो चीज़ें आपको मैंने बताया कि आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, जो भी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है मार्केट में आप उनको अडॉप्ट करो, ये काफ़ी वाइटल पार्ट है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का। वाइटल मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कभी भी कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो आई थिंक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझाई। हमने फर्स्ट लेसन में ये पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप के कंसेप्ट क्या है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू भी ले लिया और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।